हैं कि रॉयल्टी कहाँ से लाएगा खेसारी लाल यादव, स्वे कहाँ से लाएगा, वही पवन सिंह जो कुछ चमचा जो यूट्यूबर सब है उसी के बारे में हम बोल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग स्टार जब चला ही ना कहीं से तो कोई अगल बगल में न टिका है, समझ ले। इसको कहते हैं पर्सनालिटी, इसको कहते हैं बोर्ड, इसको कहते हैं स्टारडम, इसको कहते हैं यार एक्टर, कि चमड़ी के गोदाम बन के कोई एक्टर बन जाए तो बड़का भौकाल हो गई रहे। नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मित्र सन ऑफ हिंदुस्तान, उम्मीद होगा मित्रों आप लोग अच्छे होंगे। मित्र जो लोग बोलते थे कि रॉयल्टी कहाँ से लाएगा खेसारी लाल यादव, स्वे कहाँ से लाएगा, वही पवन सिंह जो कुछ चमचा जो यूट्यूबर सब है उसी के बारे में हम बोल रहे हैं। जरा देखिए वीडियो, आई वीडियो वह देख के देख जरा हमें बताओ कमेंट करके कि स्वे क्या हो भाई रॉयल्टी। टिका हो भाई, अरे अंधरा, एक रॉयल्टी कहल जाए और एक स्वे कहल जाए, जो ट्रेंडिंग स्टार जब चला ही ना कहीं से तो कोई अगल बगल में न टिका है, समझ ले। इसको कहते हैं पर्सनालिटी, इसको कहते हैं बोर्ड, इसको कहते हैं स्टारडम, इसको कहते हैं यार एक्टर। हाँ, कि चमड़ी के गोदाम बन के कोई एक्टर बन जाए तो बड़का भौकाल हो गई रे, एक ना कहल जाए। मैं बता दूँ मेरे भाई जितने भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन हो ना, दबा के इस वीडियो को आप लोग शेयर करो। भैया के एक जो सोशल मीडिया बहुत ही मतलब ये वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत बड़े बॉलीवुड सॉन्ग का वीडियो हो सकता है, लेकिन वीडियो देख के तो लग रहा है ना भाई कि भाई फिर से एक बहुत बड़ा लकीर खींचने वाले हैं, एक बहुत बड़ा लेवल का बॉलीवुड सॉन्ग आ रहा है और आप जस्ट वेट करें, एक बहुत बड़ा धमाल होने वाला है और फिर से एक नया लकीर भाई मेरा खींचेगा। और किसी का लकीर फकीर ना हो भाई, सबको जाना हो कि लकीर पेट निकाले से ना हो भाई, लकीर बॉडी बनाने से, वही सिक्स पैक से और कान से। मेरा भाई चल रहा है तो लग रहा है कि शेर चल रहा है, ऐसा चल रहा है जैसे लग रहा है कि बॉलीवुड में भी एक सामने कोई ना है। सही ये बात है, सामने कोई ना है भाई। इसलिए जितने भी खेसारी आर्मी और खेसारी फैन हो ना, इस वीडियो को दबा के शेयर करो। अब बहुत जल्द आप लोगों को मालूम चलेगा कि किस गाना के वीडियो है, और जब भी आएगा ना भाई, इतना तो तय है ना कि जो वीडियो जो वायरल हो रहा है ना, ये एक नया लकीर खींचेगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ खींचेगा तो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर जवाब देना आप लोग, और मुझे यकीन है कि आप लोग ना एक नया लकीर खिंचवा ही दोगे। और मेरा भाई मेहनत तो भरोसा करता है, वो कभी भी ना लूज पूज वाला काम ही ना कराई, जब कराई ना तो एक अलग लेवल का काम कराई, और हमेशा चाहे कि बेटर से बेटर करें और अपने अपने फैंस और पब्लिक को हमेशा एक अलग लेवल का चीज़ दें, और वो हमेशा उनको एंटरटेन करें एक अलग लेवल से। एक एक को थोड़े घिंचा पिंचा के लकीर आई फकीर कुछ ना, खेसारी लाल यादव हमेशा चाहे कि अपने लकीर को तोड़ दे और फिर आगे बढ़ जाए, फिर उस लकीर को तोड़े फिर आगे बढ़े, इसको कहते हैं लकीर। बाकी दबा के आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को भी, और आप लोग बस इसी तरह उस भाई को भी प्यार दें और इस भाई को भी सपोर्ट करें, क्योंकि मैं हमेशा सिर्फ उस भाई के ही बारे में बात करूँगा। धन्यवाद मित्रों।